हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमटी करियर मेकर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं रमन कुमार लेके आया हूँ आपके जनरल साइंस का ये वीडियो केमिस्ट्री, जिसमें डील करेंगे केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो, और उसके बाद 31 लाइनर क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस, उसके आंसर्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन सब हैं, और काफ़ी इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, और ये जो है आपके केमिस्ट्री वाला ये पोर्शन जनरल साइंस का आरआरबी जेई, आरआरबी अभी एनटीपीसी आ रहा है उसके लिए भी हेल्पफुल हैं, एसएससी जेई हैं उसके लिए भी हेल्पफुल हैं, तो सबके लिए ये काफ़ी आपके हेल्पफुल हैं, और सीबीटी टू में भी हेल्पफुल है, बिकॉज आपके सीबीटी टू में जो साइंस का है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आएगा, बायो उसमें नहीं आएगा, तो इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसको आपको डिटेल में स्टडी करना है, ताकि सीबीटी वन में भी हो सीबीटी टू में भी हो। सो इसलिए मैंने एकदम डिटेल में इसको फ्रेम किया है पूरा कोर्स को, आपके जो केमिस्ट्री अभी स्टार्ट किए फिर फिजिक्स भी आपका आएगा। सो अभी केमिकल बॉन्डिंग का देखेंगे, नेक्स्ट में सिर्फ एमसीक्यूज देखेंगे जितने भी वेरियस एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे और भी जो एनसीईआरटी वगैरह के जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन भी हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को प्रेस कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और थोड़ा सा इसमें हमने चेंजेस किया है पीडीएफ को लेके। एक्चुअली क्या होता है कि पीडीएफ में कभी कभार क्या होता है कि जो हमारा ये अपलोड करते हैं जो टेक्निकल बंदा है, तो वो क्या करता है कभी कभार भूल जाता है, नहीं अपलोड कर पाता है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट आप लोग कॉमेंट करते हैं। तो हम जैसे ही आपका कोर्स कम्प्लीट होगा, जैसे केमिस्ट्री का हो गया, तो कम्प्लीट आपका एक उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा कम्प्लीट एक ही साथ, ताकि आपको भी अच्छा लगेगा, सब एक साथ रहेगा, आपको पढ़ने में अच्छा रहेगा। तो जैसे ही कंप्लीट होगा केमिस्ट्री का, वैसे ही आपको केमिस्ट्री का पूरा मिल जाएगा, वैसे ही बायो का भी। तो हर दिन आपको ये जो पीडीएफ आपको मिलता था वो अभी नहीं मिल पाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में देखते हैं कि जो एटम्स होते हैं, तो एटम देख सकते हैं, एटम्स आर यूजुअली नॉट केपेबल फॉर फ्री एग्जिस्टेंस, बट ग्रुप्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज ऑन स्पेसीज। एग्जाम्पल H2O2 P4H2O। तो क्या होता है, जो एटम्स होता है वो केपेबल नहीं होता है कि फ्री एग्जिस्टेंस में, लाइक कि जैसे हाइड्रोजन है तो सिर्फ हाइड्रोजन नहीं होगा, चाहे फिर ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होगा, तो उसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं, डिफरेंट स्पेसीज जो उसमें बात कर रहे हैं कि सेम, चाहे सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ एग्जिस्ट भी करते हैं। लाइक कि अब समझिए कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन गैस है, H2 फॉर्म में रहेंगे, तो अब जैसे ऑक्सीजन है O2 फॉर्म में भी हो सकते हैं, O3 फॉर्म में भी हो सकते हैं, चाहे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब आएगा तो H2O हो जाएगा। तो ऐसे सिर्फ आपको फ्री आपके वो केपेबल नहीं होता है कि फ्री वो एग्जिस्ट करे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम एग्जिस्टिंग टुगेदर एज वन स्पेसीज एंड हैविंग करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो जो ग्रुप ऑफ एटम के जो ग्रुप होते हैं एक साथ एक स्पेसीज में एग्जिस्ट करते हैं, और उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है उसी को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फोर्स दैट होल्ड्स दीज एटम्स टुगेदर विद इन द मॉलिक्यूल्स आर लंडन फोर्स, वंडरवाल फोर्स, डाइपोल फोर्स एक्सेट्रा। तो जो फोर्स ये सारे एटम को एक साथ बांधे रखते हैं मॉलिक्यूल में, उसी को वंडरवाल फोर्स कहते हैं। वंडरवाल फोर्स आपने काफ़ी बार सुना होगा, उसको लंडन फोर्स भी बोलते हैं और डाइपोल फोर्स भी बोलते हैं। इसमें क्या करता है कि एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट उसके जो एटम्स हैं उसको एक साथ वो रखता है, यानी कि बांधे रखता है, जो भी कह लीजिए। तो जो फोर्स ये काम करता है वो फोर्स आपका लंडन फोर्स है, उसी को वंडरवाल फोर्स भी बोलते हैं, उसी को डाइपोल फोर्स भी बोलते हैं। अब आते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग पे। तो केमिकल बॉन्डिंग में आप देखेंगे कि जो केमिकल बॉन्ड्स है, तो जो मॉलिक्यूल्स आपके होते हैं, तो देख सकते हैं केमिकल बॉन्ड्स होल्ड मॉलिक्यूल्स टुगेदर एंड क्रिएट टेम्पररी कनेक्शंस दैट आर इसेंशियल टू लाइफ। तो केमिकल बॉन्ड्स क्या होता है कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उसको एक साथ वो रखता है और टेम्पररी कनेक्शन बनाता है, जिससे कि आप उसको आप यूज कर सके इसेंशियल टू लाइफ। सो यही केमिकल बॉन्ड्स होल्ड मॉलिक्यूल्स टुगेदर एंड क्रिएट टेम्पररी कनेक्शंस दैट आर इसेंशियल टू लाइफ। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इंक्लूडिंग कोवलेंट आयोनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। तो इसके जो टाइप्स हैं आपके केमिकल बॉन्डिंग के, कोवलेंट बॉन्डिंग होता है, आयोनिक, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड, तो ये सारे आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो मेटालिक बॉन्ड होता है, तो ये सारे इसके केमिकल बॉन्डिंग के टाइप है। उससे पहले हम देखते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये इंट्रोड्यूस इन 1916 नेम्ड आफ्टर गिलबर्ट एंड लुईस, आर ऑल्सो नोन एज लुईस डॉट डायग्राम और इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, लुईस डॉट डायग्राम भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि जो आपके मेटल्स हैं आपके, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे देख सकते हैं
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन के आपके एक एटॉम है, तो एक एटॉम है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन में एक ही आपका एटॉम है, चाहे इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन को अगर हमें लिखना हो तो ब्रोमीन के आउटर सेल में यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ब्रोमीन के, तो ब्रोमीन के आपके जैसे हेलोजन फैमिली है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो मैं जब पीरियोडिक टेबल बता रहा था उसमें सारे के बताया था, वैलेंसी वगैरह, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, कि आउटर मोस्ट में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ये ब्रोमीन है इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। तो अब क्या है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये क्या करेगा, जब हाइड्रोजन और ब्रोमीन से जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन के आपके 7 हैं, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो वो बन जाएगा HBr, तो वो स्टेबल हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ब्रोमीन का था ये वाला रेड में, यहाँ पे है एक ब्रोमीन का था और एक हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन लिखा, ये देख सकते हैं ब्रोमीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन भी अपना दे दिया तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे HBr। तो यही आपका लुईस डॉट डायग्राम, चाहे आपके इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखते हैं, ये आपका क्या है, सल्फर है, सल्फर है, सल्फर के आउटर मोस्ट में क्या रहता है कि आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइब्रिड, अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन में इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ से इसको कितना रिक्वायर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है सल्फर को ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने में। तो अगर हाइड्रोजन से ये रिएक्ट कर रहा है तो 2 हाइड्रोजन उसको चाहिए, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 2 हाइड्रोजन अगर लेंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हमने लिया, तो 2 हाइड्रोजन लिया तो यहाँ पे सल्फर का क्या हो गया कि 2 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपना इसका 6 था ही, इसका सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे पेयरिंग किया हाइड्रोजन और एक यहाँ पे, यही इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहा है, आई थिंक आप लोगों को समझ में ये आया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आपके नाइट्रोजन का होता है आपका 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, क्योंकि नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का वैलेंस, नाइट्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसको क्या लिखते हैं 2 5, तो 5 वैलेंस यानी 1s2, 2s2, 2p 3, तो ये सेकेंड मोस्ट जो कि आउटर मोस्ट है इसका, 3 to 5 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका 2 और है 1 1 2 3 5, नाइट्रोजन के साथ ही अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो अगेन 5 है, तो अब क्या करेगा कि नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 2 हैं यहाँ पे, 2 2 दोनों के हैं, और बाकी जो रेड वाले हैं, रेड वाले के साथ दोनों एक दूसरे से शेयर किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 इसके 3 इसके 6। अब देखते हैं इस नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, इस नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, यही आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, चाहे लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इसमें क्या है कि आपके आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स, या आयोनिक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसको साल्ट या फिर क्रिस्टल बोलते हैं, और ये जो बॉन्ड होता है ये ध्यान रखें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, आयोनिक बॉन्ड कभी भी बनेगा तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनेगा हमेशा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये मेटल है प्लस, नॉन मेटल ये माइनस, ये माइनस ये आपका हेयर प्लस। तो मेटल क्या होता है कि मेटल में आपके मेटल हमेशा उसकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लूज करता है यानी कि देता है, किसी को देता है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, नॉन मेटल क्या करता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये दे लेता है, इसके आउटर मोस्ट में 1 से लेके 3 तक होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है अपना नॉन मेटल को दे देता है, अपना उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल का क्या है, नॉन मेटल का 4 से ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 4 या 4 से ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है अपना वो मेटल से ले लेता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं एक एग्जांपल कि यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम का आप देखते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11, तो ये क्या होता है 2 8 और क्या होता है 1, आउटर मोस्ट में इसका क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ से देखते हैं ये सोडियम है, आउटर मोस्ट में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन है, क्लोरीन का मैंने बताया कि हेलोजन फैमिली है, इसका 7 इलेक्ट्रॉन होता है 2 2 4 2 6 1 7। अब क्या किया, क्लोरीन को इसका तो ऑक्टेट 2 8 से यहाँ पे कंप्लीट है, इसका आउटर मोस्ट में 8 बचता है, एक अगर ये दे ले तो इसका तो सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा,
सोडियम स्टेबल हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन का साथ ही इलेक्ट्रॉन है, इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन के पास क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन, इसके ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो क्या किया कि सोडियम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दिया, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम पे क्या हो गया, प्लस साइन, यानी कि ये कैटायन, सोडियम हो गया कैटायन। और सोडियम क्या है आपका, मेटल है, अल्कली मेटल है, मैंने पीरियोडिक टेबल आपको बताया था। क्लोरीन क्या है आपका, नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो क्लोरीन पे क्या आया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन किससे लिया, सोडियम से लिया, सोडियम से लिया तो क्लोरीन पे क्या आ गया, नेगेटिव साइन, तो ये बनेगा क्या, एन ए प्लस सी एल माइनस ये। तो इसलिए देखते हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उसे साल्ट्स और क्रिस्टल भी बोलते हैं, तो एन ए सी एल जो है वो साल्ट भी है, और दूसरा कि हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही ये बनता है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चंस आते रहते हैं इस पे, प्रॉपर्टी पे। आयोनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, तो ये हमेशा सॉलिड स्टेट में रहता है। नेटवर्क ऑफ आयन्स हैव ए डिफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न विच डिपेंड्स ऑन साइज एंड चार्ज ऑफ आयन, तो जो इसका नेटवर्क होता है, आयन का जो नेटवर्क होता है, इसका एक निश्चित आपका ज्योमेट्रिक जो ज्यामिति है, प्रकार होता है, आकार होता है, ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है, जो कि डिपेंड करता है उसके साइज और आयन के चार्ज पे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोसेसेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये क्या करता है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी द्रवणांक एंड क्वथनांक जो है वो हाई होते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स, जो उसके जो आयन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग, काफ़ी आपके स्ट्रॉन्ग मजबूत इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स का अट्रैक्शन होता है, इसके कारण क्या होता है कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट की गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन और डिजॉल्व स्टेट, तो जो उसका इलेक्ट्रिसिटी वो गुड कंडक्टर की तरह वर्क करता है, अच्छा कंडक्टर की तरह इलेक्ट्रिसिटी के लिए मोल्टेन या फिर डिजॉल्व स्टेट में। नेक्स्ट है डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, सो यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर एज ए सॉल्वेंट इंटरेक्ट्स विथ आयन ऑफ आयोनिक सॉलिड, तो ये जो सॉल्युबल होते हैं यानी कि घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, लाइक कि वाटर में, वाटर में भी ये घुल जाते हैं, तो ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयोनिक कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन बिटवीन देयर आयन्स, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड आयोनिक रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शन है आयोनिक कंपाउंड के बीच में, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस वर्ड जब भी आएगा आप ध्यान में रखिएगा, एक्वस वर्ड जब भी आएगा दैट मीन्स कि वो हाइड्रोजन है यानी कि वाटर है, हाइड्रोजन उसमें रहेगा ही रहेगा, हाइड्रोजन, तो एक्वस जब भी होगा तो एक्वस में यानी कि वाटर का वो सॉल्यूशन है, इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन बिटवीन देयर आयन्स, उनके आयन के कॉम्बिनेशन में, और इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं उसको आयोनिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपके टाइप कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, ये अपना मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं बिटवीन नॉन मेटालिक एलिमेंट, देखिए डिफरेंस क्या है, आयोनिक में क्या है मेटल और नॉन मेटल में शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, और आपके जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो आपके सिर्फ नॉन मेटालिक एलिमेंट में ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है, सिमिलर इलेक्ट्रॉन, जिसकी कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सिमिलर हो, जैसे O2 हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में H2O हो गया, सिलिकॉन कार्बन हो गया, सेम ग्रुप के हैं, तो ये सारे हैं। नेक्स्ट है सो ईच एटम्स हैज ए स्टेबल आउटर एनर्जी लेवल सम ऑफ टाइम, तो इसके क्या होता है कि हर एटम का जो आउटर एनर्जी लेवल होता है वो आपका स्टेबल होता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म व्हेन एटम्स शेयर टू और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी देखिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स तभी होगा जब वो आपका दो या दो से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये आपके कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयर्ड बाय द एटॉम्स, तो कोवेलेंट बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हुआ है, चाहे शेयरिंग हुआ है एटॉम के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है समझिए, चाहे कोई कोई भी एटॉम है देख सकते हैं, तो ये आपका दो एटॉम यानी कि एक इसका एटॉम, एक इसका एटॉम का यहाँ पे शेयरिंग हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे CH4 है, CH4 यहाँ पे देख सकते हैं CH4 है, तो CH4 का यानी कि एक कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसे चाहिए अपना, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में, तभी ये स्टेबल होगा। तो एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अगेन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अगेन 1 इलेक्ट्रॉन, अब क्या किया सब में ऐसा ये बॉन्ड कर लिया, बॉन्डिंग कर लिया ये। तो अब देख सकते हैं हाइड्रोजन ने अपना लूज कर दिया, हाइड्रोजन ने उसको दे दिया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल हो गया यहाँ पे। और कार्बन क्या किया सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, 4 पहले से थे, 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लिया,
उसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर दिया, अब ये स्टेबल हो गया। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, समझ में आ जाएगा काफ़ी इजी है। काफ़ी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले तो इसमें सेमीकंडक्टर में काफ़ी पड़े हैं, सिलिकॉन का चाहे ये जर्मेनियम का। सो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में कंपाउंड्स फॉर्म एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिकुल्स, तो डिस्क्रीट मॉलिकुल में एग्जिस्ट करते हैं। वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है, आपने इससे पहले जो बॉन्डिंग देखा है निक, तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है, इसका वीक होता है ड्यू टू स्मॉल मॉलिकुलर साइज उसका, क्योंकि उसका साइज स्मॉल होता है। इस पर क्वेश्चन बनते हैं, मेनली एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैसियस स्टेट। तो आपका जो आयोनिक था इससे पहले जो आपने पढ़ा था, आयोनिक में क्या था कि वो सॉलिड में भी होता है लिक्विड में भी होता है, इसमें क्या है कि सिर्फ लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट में ही होगा, सॉलिड स्टेट में नहीं होगा। सुगर यूरिया स्टार्च एक्सेट्रा एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। तो इसमें ये मेनली का वर्ड यूज किया गया है कि यानी कि मोस्टली एग्जिस्ट करता है लिक्विड और गैसियस स्टेट में, बट कुछ है जो कि सॉलिड स्टेट में भी होते हैं। तो यहाँ पे जैसे सुगर यूरिया स्टार्च एक्सेट्रा एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले सुगर हैं, यूरिया हैं, स्टार्च हैं और कुछ हैं एक्सेट्रा। नेक्स्ट है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयोनिक वाले का क्या था, हाई था। इसका कोवलेंट बॉन्ड का क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपके लो होता है, क्योंकि जो फोर्सेस हैं वीक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, फोर्सेस काफ़ी कमजोर होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज और डिजॉल्व स्टेट, वो क्या था कि गुड कंडक्टर था इलेक्ट्रिसिटी का, ये क्या है पुअर कंडक्टर है। लेस सोल्यूबल इन वाटर, उसमें वो सोल्यूबल था। गिव मॉलिकुलर रिएक्शन, वो क्या देता था आयोनिक रिएक्शन। तो ये आप देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड, एक टाइप का वो कोवलेंट बॉन्ड ही है जो कि अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा वो शेयर करता है। इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द सेम एटॉम, तो जो वो शेयरिंग करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो सेम एटॉम से ही होता है, यानी कि जो आपका एटॉम वहाँ पे है उसी से वो इलेक्ट्रॉन देगा भी और फिर उसी के साथ शेयर भी करेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का आपका क्या है 7 है यानी कि 2 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट में है। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, उसे 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब क्या होगा, नाइट्रोजन अगर पेयरिंग करेगा तो यहाँ से क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस के साथ ये कर रहा है, हाइड्रोजन प्लस के साथ अगर कर रहा है, हाइड्रोजन प्लस के साथ कर रहा है, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन तो ऑलरेडी एक दे चुका है, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेगा कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, तो ये प्लस साइन गया, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लिया, फिर से क्या किया उसी इलेक्ट्रॉन के साथ नाइट्रोजन ने फिर से इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, तो वही यहाँ पे आपको दिखाया, वही यहाँ पे आपको दिखाया है, तब जाके फिर से ये प्लस हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन ने पहले क्या किया लिया, डोनर कौन है आपका ये वाला नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्या कर रहा है हाइड्रोजन ले रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से लिया, हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन को नाइट्रोजन ने दिया और फिर उसी इलेक्ट्रॉन से क्या किया कि पेयर कर लिया, ये ध्यान में रखिएगा। सो यहाँ से तब जाके वो NH4 यहाँ बनता है और ये प्लस है, प्लस इसलिए है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन दिया था। तो ये आप देख सकते हैं इसके प्रॉपर्टीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये जो सोल्यूबल होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं, चाहे ऑर्गेनिक जो आपके होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो उसमें ये सोल्यूबल होते हैं। बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड आर लेस देन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बट आर देयर हायर देन कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड से ज़्यादा होता है बट इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड से कम होता है। कंपाउंड्स आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन गिविंग सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आयन। तो जो कंपाउंड हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज होते हैं और सिंपल और कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं। दीज बॉन्ड्स आर ऑल्सो डायरेक्शनल एंड एस्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो फाउंड। तो इसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो डायरेक्शनल बॉन्ड्स होते हैं और एस्टीरियो आइसोमेरिज्म इसमें मिलता है आपको। नेक्स्ट है मॉलिकुलर मॉलिकुल्स पोसेसेस डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट बॉन्ड एंगल्स दस हैव डिफिनिट ज्योमेट्री। तो जो मॉलिकुल हैं वो एक निश्चित शेप देता है, आकार देता है और निश्चित बॉन्ड एंगल देता है, और जिससे कि उसका ज्योमेट्री जो हो तो वो आपका निश्चित हो। तो ये थे आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड में क्या है आपका, अकर्स बिटवीन लाइक एटम्स ऑफ ए मेटल इन द फ्री स्टेट्स इन द सॉलिड स्टेट्स बोथ मेटालिक एंड आयोनिक कंपाउंड प्रोसेसेस ऑर्डर्ड एरेज ऑफ एटम्स और आयन्स एंड फॉर्म क्रिस्टलाइन मटेरियल्स विथ लैटिस स्ट्रक्चर। तो जो मेटालिक बॉन्ड होता है ये आपके एक टाइप से लाइक कि जो एटम्स होते हैं मेटल के ही एटम में ये आपके मेटालिक बॉन्ड होता है, और मेटल जो हो वो फ्री स्टेट में हो,
ये आप ध्यान में रखिए, जब मेटल फ्री स्टेट में होते हैं तो उसके एटॉम के बीच में ही जो बॉन्डिंग होती है वो मेटालिक बॉन्डिंग होती है, और ये सॉलिड स्टेट में होता है। मेटालिक और आयोनिक कंपाउंड क्या करते हैं कि एक एरे ऑफ एटॉम्स बनाते हैं, चाहे वो उसको आप कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन मटेरियल, एक लैटिस स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं। तो इसमें के बारे में सॉलिड स्टेट में ज़्यादा आपको डिटेल में है तो उतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है। तो ये सारे आपके लैटिस स्ट्रक्चर बनाया है। तो प्रॉपर्टीज इसके देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक बॉन्ड। तो मॉडल ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल मेटल्स। तो जो आपके मेटालिक बॉन्डिंग का जो मॉडल है वो आपके इसके मेटल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में यूज होता है। दूसरा, द लस्चर, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी आर रिलेटेड टू द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सॉलिड। तो जो लस्चर है यानी कि चमकीला जिसको बोलते हैं, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी यानी कि जिसको कि आपको पीटा पीट के पतला बनाया जा सकता है, चाहे तो उसको आपको डक्टिलिटी है, चाहे इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी है, ये सारे आपके इलेक्ट्रॉन के मोबिलिटी पे सॉलिड में से रिलेटेड है। दूसरा है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड वेरीज डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड साइज ऑफ द कैटायंस, सो द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल्स वेरी एज वेल। तो इसमें क्या है कि जो मेटालिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करेगा, डिपेंड करेगा चार्ज और साइज, कैटायन के चार्ज और साइज पे, सो मेल्टिंग पॉइंट्स मेटल का वेरी करेगा। थे आपके जितने भी टाइप्स के बॉन्डिंग था, मैंने इसको जितना आपको रिक्वायरमेंट था ब्रीफ में, और डिटेल भी आप कह सकते हैं कि जितना आपको रिक्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग मैंने एक्सप्लेन किया। सो अब हम इस पे देखते हैं क्वेश्चंस। तो इससे ज़्यादा डीप में आपको आएगा नहीं, मेन है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस भी अभी करेंगे, अराउंड 30 क्वेश्चंस हैं वन लाइनर, वो देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज भी करेंगे। सो देखते हैं, फर्स्ट, हु प्रपोज द इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ वैलेंसी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी वैलेंसी का था वो किसने दिया था, तो वो था कौसल एंड लुइस ने। वैलेंसी ऑफ इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस की वैलेंसी जीरो होती है, देखते हैं यहाँ पे आंसर है आपका, ये क्वेश्चन है। दूसरा, द इलेक्ट्रिकली चार्ज एटॉम्स और ग्रुप ऑफ एटॉम्स आर कॉल्ड, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं एटॉम, चाहे एटॉम के ग्रुप, उसको क्या कहते हैं, तो उसको आयन कहते हैं। जैसे सोडियम है, इलेक्ट्रिकली चार्ज में क्या होगा, Na प्लस लिखेंगे, तो ये क्या हो गया आपका, आयन्स हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, कैटायन, अगर प्लस है तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है वही, आयन्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये, तो ये आपका कैटायन्स। एनायन पोसेसेस नेगेटिव चार्ज, जैसे Cl माइनस, तो ये आपका एनायंस हो गया, देख सकते हैं। सो इसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं। वर्ड वैलेंसी ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड वैलेंटिया, इट मींस कैपेबिलिटी। तो जो वैलेंसी है वो आपका एक लैटिन वर्ड वैलेंटिया से आया है और इसका मीनिंग होता है कैपेबिलिटी। नेक्स्ट है, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। तो ये वैलेंसी वगैरह ये सब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन किया था। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो एटम्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है आपका वैलेंसी। व्हिच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर, यानी कि कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो रिजल्ट देता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है एक एटम से दूसरे एटम में, तो वो है आपके आयोनिक बॉन्ड, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटॉम्स। तो यानी कि वैसा बॉन्ड आपको बताना है जो इलेक्ट्रॉन के दो एटॉम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, तो वो आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखते हैं NaOH, तो NaOH ये प्लस माइनस NaOH, तो इसमें क्या होता है आपके, ये हो गया आपका आयोनिक बॉन्ड और इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी आपका होता है। बिकॉज क्या होगा कि Na का यहाँ पे प्लस और OH का यहाँ पे आ जाएगा आपके माइनस वाले, तो ये आपके बॉन्डिंग कर लेगा। सो यहाँ से कोवलेंट भी होगा और आपके आयोनिक भी होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कोवलेंट और आयोनिक दोनों बॉन्ड होता है। तो ये देख सकते हैं, कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इन मीथेन CH4। तो यानी कि जो मीथेन CH4 है उसका आपको कोवेलेंसी बताना है कार्बन का, तो कार्बन की वैलेंसी उसमें 4 ही रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज। तो मैंने बताया था कि आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है, हाई होता है। व्हाट इज फॉर्म्ड एन एटम लेस इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मैंने बताया कि वो कैटायन होगा। सो नेक्स्ट है आपके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं, तो ऑक्सीजन का आपका देख सकते हैं 8 एटॉमिक नंबर है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p4। तो ये देख सकते हैं सेकेंड ऑर्बिट है, यानी कि आउटर मोस्ट, 2 प्लस 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सिंपली 6। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ए, तो ये देख सकते हैं सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, CCl4। तो ये इसे Cl, यहाँ पे Cl और ये Cl, तो
तो ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे देख सकते, सिंगल बॉन्ड जो है, यानी कि एक कार्बन का, एक क्लोरीन का, कार्बन का क्लोरीन का, कार्बन का क्लोरीन का, कार्बन का क्लोरीन का, तो कार्बन की बैलेंस यहाँ पे पूरा हो गया, तो यहाँ पे ऐसा कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है फॉर्मूला आपका CCl4, तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो ये देख सकते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, ए सब्सटेंस हैविंग कोवलेंट बॉन्ड एंड विच ऑल्सो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्बन के ही इलेक्ट्रॉप्स होते हैं, जिसको अपरूप अपरूप भी बोलते हैं, अपरूप कार्बन के अपरूप, जो कि ग्रेफाइट हीरा ये हैं। तो ग्रेफाइट ही एक ऐसा है कार्बन के इलेक्ट्रॉप्स, जो कि आपका कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है, वो एज ए कंडक्टर वर्क करता है, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज आर प्रेजेंट इन इथेन CH2CH2 में। तो आप देख सकते हैं CH2CH2 में ये CH2CH2, तो C डबल बॉन्ड C, अब डबल बॉन्ड हो गया तो H, हेयर H, H, हेयर H, तो ये आप देख सकते हैं चार आपके हाइड्रोजन हो गए और दो कार्बन हो गए। तो कार्बन कार्बन में आपका डबल बॉन्ड है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे बता सकते सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, ऑर्गेनिक में हम देखेंगे डिटेल में ये। नेक्स्ट है H2O इज ए लिक्विड वाइल H2SO, यानी कि जो वाटर है वो लिक्विड है, तो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड ये आपका क्या है, तो वो आपका गैस होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं, अ कंपाउंड हैविंग आयोनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज, यानी कि कौन ऐसा कंपाउंड है जिसमें आयोनिक बॉन्ड भी है, कोवलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। तो याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है, ये आपका एक ऐसा आपका कंपाउंड है जो कि जिसमें आयोनिक भी है, कोवलेंट भी हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच स्टेट आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने पहले ही बोला था मॉल्टेन और लिक्विड स्टेट प्रॉपर्टी में मैंने बताया था आयोनिक वाले में, तो मॉल्टेन और लिक्विड स्टेट। विच वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी वाई वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि हाई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैंने बोला था इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होते हैं वो हाई होते हैं, उसके कारण ही बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट आपका हाई होता है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज द वीकेस्ट वन, तो जो वांडरवाल फोर्स होते हैं वो आपका वीकेस्ट होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द डेंसिटी ऑफ आइस व्हेन इट गेट्स मेल्टेड, यानी कि जब आइस मेल्ट होता है, पिघलता है, तो उसके डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होता है, तो उसका जो डेंसिटी होता है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ने लगता है। तो इसलिए व्हाट हैपेंस टू द डेंसिटी ऑफ आइस व्हेन इट गेट्स मेल्टेड, यानी कि बर्फ जब पिघलने लगता है तो उसकी डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी डेंसिटी बढ़ने लगता है, डेंसिटी इंक्रीजेस। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्स द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, केमिकल बॉन्ड्स जब बनता है तो फ्री एनर्जी सिस्टम का क्या होता है, तो वो डिक्रीज करने लगता है, तो डिक्रीजेस। काफी इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स है, एग्जाम में काफी बार आए हुए हैं। अनदर नेम ऑफ डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि जो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड होता है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बोला था कि दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है सेम एटोम से, यानी कि वही एटोम एक बार इलेक्ट्रॉन को देता है दूसरे इलेक्ट्रॉन को, दूसरे एटोम को, और फिर क्या करता है उस इलेक्ट्रॉन से फिर से अपना पेयरिंग कर लेता है, वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड जो होता है उसी का दूसरा नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, देख सकते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड, यानी कि जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटॉम्स इन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड, यानी कि जो एवरेज डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई के दो बॉन्ड के, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हु प्रोपाउंडेड मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने दिया था, तो वो दिया था आपके ये देख सकते एफ हंड एंड आर एस मुल्लिकेन 1932 में। नेक्स्ट देख सकते हैं, विच बॉन्ड हैज द हाइएस्ट बॉन्ड एनर्जी, यानी कि कौन से बॉन्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा आपका ट्रिपल का होता है, फिर डबल का और फिर सिंगल का, सबसे कम सिंगल का और सबसे ज्यादा ट्रिपल का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल का। तो जैसे जैसे बॉन्डिंग बढ़ता जाएगा, यानी सिंगल का सबसे कम, फिर डबल बॉन्ड, फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपके, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय वन वाटर मॉलिकुलर्स, तो एक वाटर मॉलिकुल में कितने बॉन्ड बनते हैं, सो ये आपका वाटर मॉलिकुल में फोर हाइड्रोजन बॉन्ड आपके बनते हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस, वन लाइनर और केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड थ्योरी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और जरूर लाइक कर दीजिए अच्छा लगे तो, और शेयर जरूर कीजिए, और जो लोग अभी तक चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग CMT, स्टे ट्यून्ड CMT।